नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर लाजवाब। आपका मन अगर अशांत है या शरीर की क्रियाशीलता कम हो गई है तो इसके लिए आपको अपने जीवन का कुछ वक्त योग को समर्पित करना चाहिए, जिससे कि आप ना सिर्फ स्वस्थ रहें बल्कि अंदरूनी शांति से भी जुड़ सकें। हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ऐसे में कई बार मन में यह सवाल आता है कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है। आइए जानते हैं योग दिवस से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। तो पहला प्रश्न ये आता है दिमाग में कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका आंसर चलिए आपको बता देते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है, इसलिए ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ अब आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई। तो आज से 6 साल पहले 2015 में पहली बार मनाया गया था। इस साल दुनिया छठा योग दिवस मना रही है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने को मान्यता दी थी। इस घोषणा के बाद अगले साल यानी कि 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। हर साल योग दिवस की एक थीम होती है। आइए जानते हैं उस थीम के बारे में। हर साल की तरह इस साल भी योग दिवस को एक थीम दी गई है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस महामारी यानी कोविड-19 के चलते लोगों को ऐसी थीम दी गई है जो सेहत और स्वास्थ्य को बढ़ावा देगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम है घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको योग दिवस के बारे में बताते हैं कि योग का प्राचीन भारतीय कला का एक प्रतीक माना जाता है। भारतीय योग को जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य योग के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करने के साथ साथ लोगों को तनाव मुक्त भी करना है। इस तरीके की सारी खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।